एसडीएम नूरपुर एवं श्री राम गोपाल मंदिर डमटाल के सहायक आयुक्त आविद हुसैन सादिक ने मंदिर की भूमि पर कुंडले मारे हुए डिफाल्टरों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई। जहां ये लोग मंदिर को किराया देने से परहेज कर रहे थे, वहीं अपनी दुकानों के आगे अवैध निर्माण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अतिक्रमण किया हुआ था। इसे लेकर एसडीएम ने तुरंत जेवीसी मशीन मंगवाकर अवैध निर्माण को गिराया। एसडीएम नूरपुर आविद हुसैन सादिक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर इस दुकान मालिक को कई बार नोटिस थमाया था, लेकिन बावजूद इसके इसने अवैध निर्माण जारी रखा, जिस पर आज कार्यवाही अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही के माध्यम से वो सभी को चेताना चाहते हैं कि जहां वो मंदिर को समय पर किराया अदा करें, वहीं अवैध निर्माण कार्य करने से भी बचे, नहीं तो इस तरह की कार्यवाही भविष्य में भी अमल में लाई जाएगी। ये एनक्रोचमेंट इसने करी थी मंदिर लैंड पर और एनएच पर, तो हमने इसको नोटिस भी दिया था। एक दो बार मैंने अपने हाथों से साइन करके नोटिस दिया था कि ये जो है बंद करो काम, बंद करो काम। हम उनको समझा रहे थे बट इन्होंने बंद नहीं किया। तो अब हम जब आए तो यहाँ देखा कि इसने लेंटर भी डाला हुआ है, तो हमने अब जो है जेसीबी लगा के ये सारा डिसमेंटल कर दिया। और ऐसा कोई भी अतिक्रमण एनक्रोचमेंट जो है ना ही मंदिर लैंड पर, ना ही किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर हम करने थे।